Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you would be fine. Students, it's the third chapter in your textbook, and it's a story about two girls who are friends and classmates who are living together in a hostel, and it's a very nice story about them, right? So first we will discuss all the word meanings in the given box, and then we'll move towards the explanation part, right? So the title of this story is The Story of an Invitation. Invitation means a card that we receive as an invitation from someone, right? That we are invited towards a banquet or a party or something that is related to a person calling for a cause. ठीक है, invitation किसको कहते हैं? दावतनामे को. किसी भी चीज की तरफ जब बुलाया जाता है, दावत हो, चाहे कोई पार्टी हो या किसी भी जो है वो दावत पे बुलाया जाता है, उसको कहा जाता है invitation, right? Now we have words. First I'll tell you the words and then we'll discuss their meanings. Bankrupt, caramel, commencement, condemn, cordial, Dartmouth, diplomatically, Diwan, donut, drudgery, galore, grave, mince pie, morning, pound cake, proverbial, solemnly, trying, tuck out, wistfully, right? So these are some of the words that they have covered from your text. Bankrupt means to completely without money, financially ruined. Bankrupt कहते हैं दिवालिया निकल जाने को, यानी your loans are more than your assets. ठीक है, होता क्या है कि जब आप के पास अपने loans को pay off करने के लिए आपका पैसा बाकी नहीं रह जाता, तो उस situation में you are bankrupt. ठीक है, completely without money, अपना आपका पैसा मतलब आपके हाथ से बिल्कुल खत्म हो जाए. ठीक है, कैरमल, कैरमल इज अ स्मूथ च्यूवी कैंडी. कैरमल किसको कहा जाता है? जो चीनी को बिल्कुल पीस के और उसको जो क्रंची क्रंची सा बना दिया जाता है, उसको कहते हैं कैरमल. ठीक है, कमेंसमेंट टू स्टार्ट समथिंग, अ सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फर्ड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कमेंसमेंट. देन कंडेम, कंडेम मीन्स किसी चीज की मजम्मत करना, टू एक्सप्रेस स्ट्रांग डिसअप्रूवल. डिसअप्रूवल, अप्रूवल मीन्स टू अप्रूव समथिंग, टू अग्री फॉर समथिंग, एंड कंडेम इज द ऑपोजिट ऑफ अप्रूवल, दैट इज डिसअप्रूवल, टू डिसअग्री टू समथिंग. ठीक है, किसी चीज की सख्ती के साथ मजम्मत करना, सख्ती से मना कर देना. ठीक है, कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स वार्म, सिंसेयर एंड फ्रेंडली. कॉर्डियल किसको कहते हैं? बहुत ही दोस्ती वाला अंदाज. डार्टमथ, डार्टमथ इज अ सिटी इन नोवा स्कॉशिया कैनेडा. ठीक है, डार्टमथ इज द नेम ऑफ अ सिटी इन कैनेडा. देन डिप्लोमेटिकली मीन्स टैक्टफुली, सेंसिटिवली. ठीक है, डिप्लोमेटिकली कहते हैं किसी चीज को बहुत ही जबरदस्त अंदाज से डील करना कि इंसान को बुरा भी ना लगे और काम भी बन जाए. ठीक है, देन वी हैव अ वर्ड दीवान. इट्स अ लॉन्ग बैकलेस सोफा. एक सोफा वो होता है जिसके पीछे टेक लगाने के लिए भी जो है वो जगह मौजूद होती है, और एक ऐसा सोफा होता है जिसको हम सेठी भी कहते हैं उर्दू में, कि जो सिर्फ बैठने का एक सोफा होता है और उसके पीछे टेक लगाने की जगह मौजूद नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ दीवान. देन डोनट, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड. इट्स फेवरेट मील फॉर दी चिल्ड्रन. अ स्मॉल रिंग शेप्ड लाइट केक. इट्स अ वेरी फ्लफी एंड सॉफ्ट केक फॉर ईटिंग, राइट. देन वी हैव अ वर्ड ड्रजरी. ड्रजरी मीन्स टेडियसनेस और अनप्लेजेंटनेस ऑफ वर्क. ठीक है, टाइडिंग वर्क, द वर्क दैट इज वेरी बोरिंग और वेरी टाइडिंग और वेरी हार्ड, दैट इज कॉल्ड द ड्रजरी, दैट इज टेडियसनेस और अनप्लेजेंटनेस ऑफ वर्क, द वर्क दैट वी डोंट लाइक. ठीक है, ऐसा काम जो बहुत मशक्कत वाला भी हो, बहुत मेहनत वाला भी हो और हमें पसंद भी ना हो, दैट इज कॉल्ड ड्रजरी. देन वी हैव अ वर्ड गैलोर. गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स, दैट इज इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा मिकदार में किसी चीज का होना. ठीक है, ग्रेव, ग्रेव एक तो कबर को कहा जाता है, बट हियर
This word is an adjective used for a girl. Grave means dignified and somber in conduct or character. Sober होना, ठीक है? बहुत serious जो attitude वाले लोग होते हैं ना, अपने काम से काम रखने वाले और फजूल बात ना करने वाले, sober किस्म के, decent किस्म के, जो serious रहते हैं और संजीदा गुफ्तगू करते हैं, they are grave. Then we have a word, mince pie. मिन्स पाए बेसिकली आप समझ लीजिए कबाब जैसे होता है, हमारे यहाँ कबाब हैं, कोफ्ते हैं, तो कीमे की बनी हुई जो पैटी होती है उसको कहा जाता है मिन्स पाए. स्मॉल राउंड पाए विद मिन्स फिलिंग. मिन्स किसको कहते हैं? कीमे को कहते हैं, ठीक है? जो गोश्त को पीस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिन्स. देन वी हैव अ वर्ड मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स टू शो ग्रीफ फॉर द डेड. मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? मरने वाले के ऊपर जब सोग मनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग. ठीक है, किसी से जब हम ताजियत करने के लिए जाते हैं, अफसोस करने के लिए जाते हैं किसी की मैयत पर, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग. देन वी हैव अ वर्ड पाउंड केक. पाउंड केक मीन्स अ टाइप ऑफ केक मेड फ्रॉम अ पाउंड ऑफ फ्लावर, अ पाउंड ऑफ फ्रूट एटसेट्रा. पाउंड केक किसको कहा जाता है? एक खास किस्म के केक को कहा जाता है, ठीक है, जिसको जो है वो एक पाउंड फ्लावर से यानी आटे से बनाया जाए या फ्रूट से बनाया जाए, तो उसको हम कहते हैं पाउंड केक. ठीक है, देन वी हैव अ वर्ड प्रोवर्बियल. प्रोवर्बियल इज फ्रॉम द वर्ड प्रोवर्ब. प्रोवर्ब उर्दू में कहते हैं मुहावरे को, ठीक है. ऑफ द नेचर ऑफ अ प्रोवर्ब वाइडली रेफर टू फेमस. होता ये है कि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन उनको किसी और बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, एक अनार सौ बीमार. तो इसके जो असल मीनिंग्स हैं वो तो कुछ और हैं, लेकिन ये जिन मानों में इस्तेमाल किया जाता है वो किसी वाक्य की तरफ इशारा कर रहा होता है या किसी खास बात की तरफ इशारा कर रहा होता है. तो प्रोवर्बियल का मतलब भी यही है कि एक ऐसी चीज जिसका जो नेचर है वो प्रोवर्ब का है, वो मुहावरे का है, ठीक है. देन सोलेमली. सोलेमली मीन्स अर्नेस्टली, सीरियसली और सोबरली, ठीक है. इट मीन्स कि कोई काम बहुत ही सीरियस अंदाज में करना. देन ट्राइंग, कॉजिंग स्ट्रेन, हार्डशिप और डिस्ट्रेस. किसी चीज को ट्राई करना, ठीक है. टक आउट मीन्स अ टाइम टू ईट टक फूड, स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री. टक आउट मीन्स पार्टी, ठीक है, जो हम एक दूसरे को ट्रीट दे रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड टक आउट. Then we have a last word in this box, wistfully. It means sadly with earning, ठीक है. और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा अफसोस या तकलीफ के साथ, जिस चीज के अंदर इंसान को दुख हो, that is called wistfully. Now students, it's time to start the reading part. I'll read every line and I'll explain what is in this story, right? So let's start the story. And before that, please subscribe to the channel, like the video and share it with your friends. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Right, so you see, it's a girl, Bertha Sutherland. Bertha is the name of a girl who was coming back to her home and who was living in a boarding house, and she was coming towards her room that was on the third floor. Her roommate. Roommate means the girl who was sharing her room. Grace. Grace is the name of her roommate. The girl who was with her in her room in her boarding house was Grace. So there were two girls, Bertha and Grace. Grace Maxwell was sitting on the divan by the window looking out into the twilight. Right? So the other girl was inside the room, who was sitting on a sofa without a back, and who was looking out into the twilight. That is, it means that the time was of sunset, or it was a midnight time when the light was very low. Right? Twilight किसको कहते हैं? Twilight कहते हैं जब मध्यम सी रोशनी होती है, और या तो सनसेट यानी सूरज के गुरूब होने का वक्त होता है, उस टाइम पर जो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट. तो यहां पर आपको सीन बता रहे हैं कि एक बच्ची भागते हुए अपने कमरे की तरफ आ रही थी और दूसरी बच्ची कमरे के अंदर मौजूद थी. ये दोनों रूममेट्स थी,
और जो बच्ची भागते हुए आ रही थी उसका नाम बर्था और जो कमरे में मौजूद थी उसका नाम ग्रेस था। अ ईयर अगो बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्टमाउथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट्स। ठीक है, ये दोनों आई थी एक साल पहले इस सिटी के अंदर कनाडा के डार्टमाउथ में, जहां पर एकेडमी इन्होंने एक अटेंड की थी और दोनों ने फिर उस वक्त इनको पता चला था कि इन दोनों ने टाइम एक साथ स्पेंड करना है एक ही रूम में। ठीक है, बर्था वॉज ब्राइट प्रिटी एंड पॉपुलर द फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। सो नाउ ऑथर इज टेलिंग अबाउट बर्था एंड ग्रेस दैट देयर पर्सनैलिटीज वर अ बिट डिफरेंट। बर्था जो थी एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्रिटी और बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थी अपने टीचर्स की। ग्रेस ऑन द ऑपोजिट वॉज अ ग्रेव अ सॉर्ट ऑफ अ नेव गर्ल, क्वाइट गर्ल, खामोश तबा, ड्रेस्ड इन मॉर्निंग, अफसोस में, दुख में, मतलब खामोश खामोश सी रहने वाली लड़की थी। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह क्या थी कि वो अकेली थी। दी आंट हु हैड ब्रॉट हर अप, ब्रॉट हर मतलब का मतलब जिन्होंने उसको पाला था वो आंटी हैव रिसेंटली डाइड, वो अभी अभी उनका कुछ टाइम पहले इंतकाल हो गया था। ठीक है, एट फर्स्ट शी हैड लेफ्ट शाई विद ब्राइट एंड ब्रिलियंट बर्था। ऐसा होता है कि जब दो बच्चे इस तरह के मिलते हैं, एक थोड़ा सा नेव हो यानी थोड़ा सा कम गो हो और खामोश हो, या जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात गुजरी हों, तो वो दूसरों के साथ मिंगल होने में, मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो इसी तरह से बर्था के साथ भी था, सॉरी ग्रेस के साथ भी था, कि जब वो उसकी बर्था के साथ मुलाकात हुई तो वो शुरू शुरू में शाय फील करती थी, यानी बहुत घबराई घबराई सी रहती थी और शर्माई शर्माई सी रहती थी। लेकिन बट दिस सून बिकेम फ्रेंड्स, बहुत जल्दी उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। एंड द ईयर दैट फॉलोड, और जब उसके बाद वाला जब साल आया, वॉज अ वेरी प्लेजेंट वन, दैट इज वॉज अ वेरी हैप्पी वन, बहुत अच्छा साल था अगला साल जो था। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स हैड बिगन एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज। ठीक है, वो साल अब तकरीबन खत्म पर था और फॉर द टर्मिनल एग्जाम्स, जैसे टर्म के एग्जाम्स होते हैं हर सिलेबस के एंड पर, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपके टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं मिड टर्म्स के, फाइनल टर्म्स के, तो वो शुरू हो रहे थे। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते हैं तो उसके बाद छुट्टियां होती हैं, तो इनकी भी छुट्टियां पड़ने वाली थी एक हफ्ते के बाद। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, अब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो रही है बर्था और ग्रेस की, क्योंकि बर्था अपने रूम में आई थी, ग्रेस वहीं पर मौजूद थी। तो अब इन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई, ऑथर उनको डिस्कस कर रहे हैं। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सैड बर्था गेली, गेली मीन्स जॉयफुली, बहुत खुशी से उसने ये बात कही, हैप्पीली। ठीक है, I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. Now she started telling her, that is Grace, about the letter she had received from her aunt, and she was saying that I want to share it with you. I have got a very good news from my aunt. So I went into Carter's and invested all my spare cash, the extra cash, in caramels. She bought some candies out of her cash that she had. It's really fortunate. Good luck. Fortunate means good luck. The term is almost out for I am nearly bankrupt. यहाँ पर वो बता रही है कि ना मुझे एक बड़ी जबरदस्त न्यूज मिली और मैं ना चाह रही थी उसको मुनासिब तरीके से सेलिब्रेट करूं, और बस मैं भाग के चली गई कार्टर के पास, जो चीजें वगैरह बेचने वाले होते हैं उनके पास चली गई, और वहां से मैं कैरामल्स खरीद के ले आई। शुक्र करो कि टर्म खत्म होने वाला है, क्योंकि मेरे पैसे तो तकरीबन खत्म हो गए हैं। आई हैव जस्ट इनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट, बस मेरे पास इतने ही बचे थे कि मैं जो है वो एक ट्रीट दे सकूं फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, यानी कि जो हमारी टर्म की जब एग्जाम की रिजल्ट डे होगा तो उसके अंदर जब मुझे ट्रीट देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ब्रिलियंट हूं और पोजीशन होल्डर हूं, तो उसके लिए बस मेरे पास पैसे बचे हुए हैं कि मैं उसके लिए ट्रीट दे सकूं, उसके अलावा मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। व्हाट इज योर गुड न्यूज मे आई आस्क, सेड ग्रेस। अब ग्रेस ने कहा कि तुम्हारी गुड न्यूज क्या है वो तो बताओ जरा। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट, कॉमनली कॉल्ड आंट मैग, आउट एट रिवर्सडेल, डोंट यू। तुम्हें पता है कि मेरी एक आंट मार्गरेट है, उनको आंट मैग भी कहा जाता है, जो रिवर्स डेल के पास रहती है, क्या तुम उनको जानती हो। देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंट इन द वर्ल्ड, उनके जैसा तो कोई भी नहीं, मतलब इतनी स्वीट, इतनी जॉली और इतनी जबरदस्त आंटी। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टुनाइट, आज रात मुझे उनसे एक लेटर मिला। लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, अब वो लेटर पढ़कर सुना रही है आंट मैग का। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट शी हैड रिटन टू बर्था। I want you to spend your holidays with me, my dear. वो कह रही है मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियां मेरे साथ गुजारो।
मैरी फेयरवेदर एंड लुई फिशे एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू. तीन जो है वो लड़कियों का नाम बताया उन्होंने कि वो भी आ रही हैं, तो तुम भी आ जाओ मेरे पास. सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर. तो बस सिर्फ एक के लिए जगह बची एंड दैट वन मस्ट बी योरसेल्फ. और वो कौन हो सकता है, तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता. कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोजेस एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम एंड पाउंड केक एंड डोनट्स एंड मिंस पाइज एंड ऑल द डिलिशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर्स कंडेम. ठीक है, वो सारी वो बातें लिखनी है जो लड़कियां आपस में करती हैं, जो बच्चे आपस में करते हैं, कि माएं जो होती हैं वो बच्चों की तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती हैं कि हमारे बच्चे कुछ उल्टी सीधी चीजें ना खा लें. और ये आंटी हैं, ये बच्चों के मिजाज को समझती हैं, वो कहती हैं कि थोड़ा बहुत तो चलता है इस तरह का. तो वो ये कह रही हैं कि बस तुम फौरन से, तो जैसे ही तुम्हारा स्कूल क्लोज हो वैसे ही तुम मेरे पास पहुंच जाना, तुम्हारी तीन दोस्तें भी आ रही हैं, तो फिर मैं तुम लोगों को डोनट्स भी खिलाऊंगी और मिंस पाइज भी खिलाऊंगी, स्ट्रॉबेरीज खिलाऊंगी, क्रीम चॉकलेट सारी चीजें तुम लोगों को खिलाऊंगी. ठीक है, वो सारी चीजें जो मदर्स कंडेम करती हैं, मजम्मत करती हैं, स्ट्रांगली वो डिसअग्री करती हैं इन सब चीजों के लिए, मैं वो सब चीजें तुम लोगों को खिलाऊंगी. मैरी एंड लू एंड लिल, यही इनके ही नाम है. मैरी लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, आई नो, एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक. ठीक है, वो तुम्हारे दिल से बहुत करीब हैं और तुम लोग जैसा चाहो वैसे रह सकते हो. विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग्स गैलोर. तो उन्होंने क्या कहा, भाई तुम लोग जो चाहो वो तुम लोग बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर सकते हो, पार्टीज भी होंगी और तुम लोगों की जो है वो पिकनिक्स भी होंगी और तुम लोग अपने जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर सकते हो. देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, इजंट दैट लवली. तो यू सी बर्था इज टेलिंग अबाउट हर लेटर टू दिस गर्ल ग्रेस, राइट. और उसके बाद फिर वो खुशी से जब लेटर खत्म किया उसने पढ़ना, तो उसने खुशी का बड़ा इजहार किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33. लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. हाउ डिलाइटफुल, हाउ डिलाइटफुल मतलब क्या खुशगवार इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू, सेड ग्रेस. अब ग्रेस ने लेटर सुनने के बाद ये बात कही, कितनी जबरदस्त बात है, कितनी खुशी की बात है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आपके लिए प्लान्स बनाएं, आपके साथ एंजॉयमेंट के लिए वो आपको जो है वो तैयार करें और आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हों. विस्टफुली का मतलब क्या है कि उसने बहुत ही दुख के साथ ये बात कही. मतलब एक इंसान को ये पता हो कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई इंजॉय करने वाला नहीं है, और फिर कोई उसके सामने इस तरह की बातें करे तो अंदर से एक इंसान बुझ सा जाता है. आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी. बर्टी उसने बर्था को कहा, जैसे हम प्यार में एक दूसरे के निकनेम्स रखते हैं ऐसे उसने उसको कहा, एज फॉर मी आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल री ओपन्स. और मेरा क्या है, ग्रेस कहने लगी, मेरा क्या है, मैं तो जो है वो क्लर्कमैन्स के बुक स्टोर में चली जाऊंगी. आई सॉ मिस्टर क्लर्कमैन टुडे एंड ही अग्रीड टू टेक मी. और उन्होंने भी मुझसे अग्री कर लिया, आज मेरी मुलाकात हुई इनसे उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम अपने स्कूल को बंद होने के बाद मेरे पास आ जाना. बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड. बर्था जो थी वो ये सुनकर हैरान हो गई. शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वेकेशंस प्लान्स वर. और उसको ग्रेस के वेकेशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसके क्या प्लान्स हैं, छुट्टियां वो कहां गुजारेगी, कैसे गुजारेगी, उसको नहीं मालूम था. I don't think you ought to do that, Grace, she said thoughtfully. You are not strong and you need a good rest. It will be awfully trying to work at Clerkman's all summer. तो उसने आगे से उसको क्या कहा, उसने कहा कि नहीं नहीं ग्रेस तुम ये सही नहीं कर रही हो, तुम इतनी मजबूत नहीं हो कि तुम इतनी पढ़ाई करने के बाद अब जाकर अपने जो है वो तमाम छुट्टियां जो है वो काम करने में गुजार दो. तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है, तुम्हें भी इंजॉय करने की जरूरत है, तुम्हें भी अपनी वेकेशंस अच्छी तरह गुजारने की जरूरत है, तुम्हें इस वक्त काम नहीं करना चाहिए. बर्था ने ये ग्रेस से कहा. देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली. उसने कोशिश की कि वो अच्छी तरह से बात कर सके, खुशी का इजहार कर सके. उसने कहा देखो मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस. मैं बिल्कुल वैसे ही गरीब हूं जैसे कि हम मुहावरों में सुनते हैं कि एक चर्च का जो माउस होता है वो गरीब होता है. ये बेसिकली एक मुहावरा है इंग्लिश का, एज पुअर एज अ चर्च माउस. ठीक है, चर्च के माउस की तरह से गरीब होना, ये गरीब गुर्बत की जो इंतहा होती है ना उसके लिए ये जो प्रोवर्ब है वो यूज किया जाता है. ठीक है, जो शख्स बहुत ज्यादा जिसके पास पैसे की तंगी है उसके लिए. तो यहां पर ग्रेस ने भी अपने लिए यही बात कही कि मैं तो बिल्कुल उस माउस की तरह हूं
जो चर्च माउस के लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है गुर्बत के लिए. बर्टी एंड द सिंपल ट्रूथ इज दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट. देखो मैं अपने आप को ना तो जो है फाइनेंस कर सकती हूँ अगर मैं कुछ ना कमाऊं, और ना ही मैं अपने लिए सर्दी के कपड़े ले सकती हूँ जब तक कि मैं कुछ अपने लिए कमाऊं नहीं. आई शेल बी टू बिजी टू बी लोनसम. और फिर सच्ची बात यह है कि मुझे तन्हा रहने के लिए जो है वो वक्त ही नहीं मिलेगा, मैं इतना बिजी रहूंगी. एंड आई शेल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूजी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड यू सी. ठीक है. और दूसरी बात ये कि तुम भी तो मुझे लंबे लंबे खत लिख रही होगी, उनको पढ़ने में मेरा सारा टाइम गुजर जाएगा तो मुझे बोरियत कैसे होगी. वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज एलजेब्रा प्रॉब्लम्स. आई ट्राई देम बिफोर डार्क बट आई कुडंट सॉल्व देम. माई हेड एक्ट एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड. हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर. और दूसरी बात ये भी है बर्था कि देखो मैं जो है जो एलजेब्रा प्रॉब्लम्स थी मैथ्स की वो नहीं सॉल्व कर पा रही थी. अब जब छुट्टियां मिलेंगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके अंदर उनको सॉल्व कर लूंगी. ठीक है. तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लिए. लेट सी व्हाट बर्था रिप्लाइड. आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था एब्सेंटली. बर्था उसकी बातों में ऐसी खो गई कि वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है. मतलब ये मुझसे ग्रेस किस किस्म की बातें कर रही है. जैसे वो बहुत अंदर से दुखी हो गई. बट शी मेड नो मूव टू डू सो. शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस. वो उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी. उसने कुछ कहा नहीं. उसने हाउ वेरी पेल. पेल मीन्स येलो. जैसे चेहरा हमारा खौफ की वजह से या दुख की वजह से बिल्कुल पीला पड़ जाता है ना, उसको कहा जाता है पेल. हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड. अब उसने बर्था ने ग्रेस की तरफ देखा तो उसने ये नोटिस किया कि कितनी वो पीली पड़ गई थी और वो कितनी कमजोर हो गई थी. शोरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी. यकीनन उससे कहीं ज्यादा कमजोर और पीली पड़ गई थी जब वो इस एकेडमी में आई थी. यानी वो कमजोर से कमजोर होती चली जा रही थी. उसने उस वक्त ये बात नोटिस की. एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन. और खैर वो उस वक्त भी बहुत ज्यादा ना कोई मोटी थी और ना ही बहुत जो है वो गुलाब गुलाबी थी. ठीक है. यानी उस वक्त भी वो कमजोर ही थी जब वो एकेडमी आई थी, लेकिन वो आज और ज्यादा कमजोर और जो है वो पीली पड़ गई थी. आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड टू मंथ्स एट क्लर्क मैंस थॉट बर्था. बर्था ने लेकिन उसके बारे में सोचा और कहा कि ये 2 महीने क्लर्क मैन के उसमें कैसे रह पाएगी. इफ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैक्स आई वुड आस्क हर टू गो होम विद मी. और इवन इफ आंट मैक हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी. अब वो सोचने लगी कि अगर मैं नहीं जा रही होती आंट मैक के पास तो मैं इसको अपने घर ले जाती, और या फिर अगर आंट मैक के पास एक कमरा और होता तो मैं इसको अपने साथ आंट मैक के पास ले जाती. आंट मैक वुड अंडरस्टैंड. शी ऑलवेज अंडरस्टैंड बट शी हैजंट सो इट कांट बी. और मैं आंट मैक तो हमेशा चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं, समझती हैं. वो तो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं. बट ऑफकोर्स उनके पास कमरा ही नहीं है, वरना वो जरूर जो है वो इसको भी एडजस्ट कर लेती. ठीक है. वो ये सारी बातें अपने ही दिल में सोच रही थी. उसने ग्रेस से कुछ नहीं कहा लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी. जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इन टू बर्थास ब्रेन. वैसे ही क्या हुआ, एक सोच उसके दिमाग में आ गई फौरन. वॉट नॉन सेंस, शी सेट अलाउड सो सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जम्प्ड. उसने खुद ही जब उसके दिमाग में ये सोच आई तो उसने इतनी जोर से कहा वॉट नॉन सेंस कि जो ग्रेस थी वो अपने बिस्तर से उछल गई. वॉट इज, क्या चीज नॉनसेंस है, ग्रेस ने उससे सवाल पूछा. जैसे हम ख्यालों में गुम होते हैं और कभी कभी हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है अचानक से, ऐसे ही बर्था के साथ हुआ. तो जब उसने ये बात कही तो ग्रेस भी हैरान हो गए. उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ. ओह नथिंग मच, सेड बर्था गेटिंग अप ब्रिस्कली. ब्रिस्कली मतलब अचानक से उठते हुए उसने जल्दी से कहा नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं. सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क. आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम. मैं काम पे जा रही हूँ, मैंने काफी वक्त जाया कर दिया है. कुछ नहीं, बस तुम आराम करो अपना. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान एंड ट्राई टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश. वो अपना इंग्लिश का लेके बैठ गई सोफे के ऊपर. बट हर थॉट्स वेंडर्ड होपलेसली. लेकिन उसकी जो सोचें थी वो इधर से उधर टहले मार रही थी और इधर से उधर चल रही थी और वो परेशान सी थी, होपलेस थी. एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डेस्पेयर एंड वेंट टू बेड. और फिर वो डिसअपॉइंट हो गई और आखिरकार बिस्तर में चली गई. देयर शी कुड नॉट स्लीप, शी ले अवेक. वो सो नहीं पा रही थी, उठी हुई थी. एंड रेसल्ड विद हर सेल्फ. और अपने साथ
एक रेसलिंग कर रही थी, एक जंग लड़ रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं, ग्रेस को मैं कैसे जो है वो इन छुट्टियों में इंजॉय करवा सकती हूँ। वो अपने आप से मुस्तकिल लड़ाई कर रही थी। इट वॉज आफ्टर मिड नाइट वेन शी सेट अप इन बेड एंड सेट सॉलेमली आई विल डू इट। अचानक रात के बीचों बीच वो उठ के बैठ गई और उसने कहा अब मेरा मसला हल हो गया, मैं ये कर लूंगी। नेक्स्ट डे बर्था रोट अ कॉन्फिडेंशियल लेटर टू आंट मैग। अगले दिन बर्था ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा आंट मैग को, यानी उसने एक खुफिया खत लिखा। शी थैंक्ड हर फॉर हर इनविटेशन एंड देन टोल्ड हर ऑल अबाउट ग्रेस। और उस लेटर के अंदर उसने आंट मैग को ग्रेस के बारे में सब कुछ बता दिया। And I what I want to ask Aunt Meg is that you will let me transfer my invitation to Grace and ask her to go to Riversdale this summer in my place। और जब उसने सारी सिचुएशन बताई उनको, उसके बाद उसने ये लिखा कि Aunt Meg मैं ये चाहती हूँ कि इस साल समर की छुट्टियों में आप मेरी जगह Grace को वो invitation दे दें Riversdale आने के लिए। Don't think me ungrateful। मुझे आप गैर एहसान मंद न समझिएगा कि मैं आपकी जो एहसान है उसको ठुकरा रही हूँ या आपकी इनविटेशन को रिजेक्ट कर रही हूँ। नो आई एम श्योर यू वॉन्ट, और मुझे पता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगी। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स, आप हमेशा चीजों को अंडरस्टैंड करती हैं, बट यू कांट हैव अस बोथ। लेकिन बात यह है कि आप हम दोनों को भी अफोर्ड नहीं कर सकती। एंड आई वुड रादर ग्रेस शुड गो, ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जगह ग्रेस चली जाए। It will do her so much good। इससे उसको बहुत फायदा होगा। एंड आई हैव अ लवली होम ऑफ माई होम टू गो टू एंड शी हैज नन। और बात यह भी है कि मेरे पास तो एक बहुत अच्छा घर है जहां मैं अपनी छुट्टियां गुजार सकती हूँ, लेकिन ग्रेस के पास तो कोई घर भी नहीं है जहां वो अपना टाइम स्पेंड कर सके। नाउ मूव टू पेज नंबर 34। उसके बाद क्या हुआ, आंट मैग अंडरस्टूड एज यूजुअल एंड वॉज परफेक्टली विलिंग। आंट मैग ने हमेशा की तरह चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी विल भी जाहिर की कि हाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि बर्था की जगह ग्रेस आ जाए। सो शी रोट टू बर्था एंड एनक्लोज्ड अ नोट ऑफ इनविटेशन फॉर ग्रेस। फिर उन्होंने वापस लेटर लिखा बर्था को और उसके अंदर उन्होंने ग्रेस के लिए इन्विटेशन भी भेज दिया, यानी उन्होंने फौरन से बर्था की बात मान ली। आई शेल हैव टू मैनेज दिस अफेयर वेरी केयरफुली, मैं इस मामले को बहुत तमीज से आराम से जो है वो हैंडल कर लूंगी, रिफ्लेक्टेड बर्था। ग्रेस मस्ट नेवर सस्पेक्ट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस, ठीक है, और ग्रेस को कभी भी ये शक भी नहीं होगा। सस्पेक्ट का मतलब कभी शक भी नहीं होगा कि ये मैंने जानबूझकर किया है, ऑन पर्पस का मतलब जानबूझकर किया है। आई विल टेल हर दैट सर्कमस्टांसेस, हालात, सर्कमस्टांसेस मतलब हालात, मैं उसको बता दूंगी कि हालात हैव प्रिवेंटेड मी, रोक दिया उन्होंने, प्रिवेंट मतलब रोकना, फ्रॉम एक्सेप्टिंग आंट मैग्स इन्विटेशन, ठीक है। मैं उसको ये बता दूंगी ग्रेस को कि कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। दैट इज ट्रू एनफ, और ये बिल्कुल सच है। नो नीड टू से दैट द सर्कमस्टांसेस आर हर्स, हाँ, लेकिन ये उसको नहीं बताऊंगी कि हालात वही थी, यानी जिन हालात में मैंने आंट मैग को मना किया उसकी वजह ग्रेस थी, मैं उसको ये हरगिज नहीं पता चलने दूंगी, नॉट माइन, और वो हालात मेरे किसी जाती वजह की वजह से नहीं थे, ठीक है। यानी उसने ये अपने दिल ही दिल में सोचा कि मैं ग्रेस को इस बात के लिए तैयार कर लूंगी कि कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा रही आंट मैग के इनविटेशन पर, बल्कि उसकी जगह पर तुम चली जाओ, ठीक है, लेकिन मैं उसको ये नहीं पता चलने दूंगी कि वो हालात वही थी और मेरे हालात नहीं थे, ठीक है। एंड आई विल से आई जस्ट आस्क आंट मैग टू इनवाइट हर इन माई प्लेस एंड दैट शी हैज डन सो। हाँ, मैं बस उसको ये बता दूंगी कि मैं क्योंकि नहीं जा पा रही तो मैंने आंट मैग से कहा कि आप ग्रेस को मेरी जगह इनवाइट कर लें और वो मेरी जगह पर आ जाएगी। When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg's cordial note. ठीक है, जब Grace अपने एग्जाम को देके वापस आई हिस्ट्री के, तो उसने वही इनविटेशन ग्रेस को पकड़ा दिया और बताया कि उन्होंने एक फ्रेंडली नोट भेजा है। You must come to me in Bertha's place, wrote the letter. लेटर का मतलब ये वाला जो लेटर है LATER, ये होमोफोन है LETER, वो जो लेटर होता है वो खत को कहते हैं। एंड दिस लेटर मीन्स द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स और टू ऑप्शंस।
दो ऑप्शंस में से जो दूसरी चीज होती है या दो चीजों में से कोई जो दूसरी चीज होती है उसको हम कहते हैं लेटर। यानी अब जब दूसरा लेटर आया था तो उसने उसमें लिखा हुआ था, एंट मैग ने लिखा हुआ था, यू मस्ट कम टू मी इन बर्थास प्लेस। किसको लिखा था उन्होंने? ग्रेस को लिखा था कि तुम बर्था की जगह पर मेरे पास आ जाओ। आई फील एज इफ आई न्यू यू कम फ्रॉम हर लेटर्स एंड आई कंसिडर यू एज अ सॉर्ट ऑफ ऑनररी नीस एंड आई ट्रीट यू एज इफ यू वर बर्थास हरसेल्फ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ग्रेस, मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे पास बर्था ही आई है, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूंगी और ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है, बहुत इकराम की बात है कि तुम मेरे पास आ रही हो। उन्होंने बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही प्यार से ग्रेस के लिए लेटर लिखा एज इफ कि वो उनकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इज़न्ट इट स्प्लेंडेड ऑफ आंट मैग, सेड बर्था डिप्लोमेटिकली, ऑफ कोर्स यू विल गो ग्रेसी। अब उसने उसको निकनेम से पुकारा ग्रेस को और उसने कहा कि देखो आंट मैग की कितनी अच्छी हैं वो, और ये उनके कितने ऑसमनेस की बात है, कितने उनके ग्रेट होने वाली बात है आंट मैग के लिए कि देखो उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से बुलाया है। ओह आई डोंट नो, सेड ग्रेस इन बीवाइल्डरमेंट। बीवाइल्डरमेंट मतलब सरप्राइज होकर, हैरत में उसने कहा ओह मुझे तो नहीं पता। आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट टू गो बर्था? क्या तुम वाकई यकीन से कह रही हो बर्था कि तुम्हें नहीं जाना और तुम मुझे उसकी जगह पर भेज रही हो? मतलब वो बिल्कुल हैरान रह गई कि क्या मैं भी किसी ऐसी वेकेशन पर जा सकती हूँ और बर्था की जगह पर मैं जा रही हूँ, तो वो बिल्कुल कन्फ्यूज थी उस वक्त। आगे क्या हुआ? इनडीड आई डू वॉन्ट टू गो ड्रेडफुली, सेड बर्था फ्रेंकली। क्यों नहीं, बेशक मुझे जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, ड्रेडफुली बहुत बेताबी से जाना चाहती हूँ, बर्था ने उसको फ्रेंकली कहा, यानी बहुत बेतकल्लुफी से कहा, बगैर किसी झिझक के उसने ये बात कही। बट एज आई हैव टोल्ड यू इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ग्रेस कि मेरे लिए जाना इस वक्त बिल्कुल मुमकिन नहीं है, यानी उसने बात बनाई, बहाना बनाया कि मेरे लिए जाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। बट इफ आई एम डिसअपॉइंटेड आंट मैग मस्टंट बी, लेकिन मेरे डिसअपॉइंट होने से आंट मैग डिसअपॉइंट नहीं होंगी कि मैंने उनकी इनविटेशन को इनकार कर दिया तो वो दुखी हो जाएं। यू मस्ट गो ग्रेस एंड दैट इज ऑल देयर इज अबाउट इट। ठीक है, और तुम जो मेरी जगह पर जाओगी तो आंट मैग को ऐसा ही लगेगा जैसे कि मैं आ गई हूं, तो मुझे तो खुशी नहीं मिल पाएगी लेकिन आंट मैग को तुम्हारे जाने से बहुत खुशी होगी। इन द एंड ग्रेस डिड गो अ लिटिल पजल्ड एंड डाउटफुल स्टिल। आखिरकार वो चली गई और लेकिन वो सरप्राइज भी थी, हैरत में भी थी, और दूसरी बात वो थोड़ा सा डाउटफुल भी थी, उसको थोड़ा सा शक भी था, बट थैंकफुल बियॉन्ड वर्ड्स टू एस्केप द ड्रजरी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी। लेकिन उसके बावजूद वो अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कितना खुश थी कि उसको जो है वो जान छुड़ाने का मौका मिल रहा था, भागने का मौका मिल रहा था। एस्केप मतलब भागना, द ड्रजरी यानी जो थकावट थी उसकी ऑफ द काउंटर एंड द नॉइज एंड हीट ऑफ द सिटी। यानी जब हम भी जो है वो थक जाते हैं तो अपने वेकेशंस में बाहर घूमने जाना चाहते हैं क्योंकि हमें भी जो है वो सिटी के नॉइज से और यहाँ पर जो पोल्यूशन है उससे हम परेशान होकर हम कहाँ का रुख करते हैं, हम विलेजेस का रुख करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो भी वेकेशंस पर जाने से बहुत खुश थी। बर्था वेंट होम फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट। बर्था अपने घर चली गई, थोड़ा सा वो दुखी थी, थोड़ा सा उसको जो थी वो खुशी नहीं थी, जाहिर सी बात है उसकी इतनी अच्छी वेकेशंस उन पे नहीं जा पा रही थी वो, लेकिन उसने इस बात का इजहार नहीं किया। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो दुखी थी। बट ऑल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन शी वुड डू जस्ट द सेम। लेकिन फिर भी उसको इस बात की खुशी थी कि उसने ग्रेस के लिए कुछ अच्छा किया और इसकी वजह से उसके दिल में ये था कि अगर आइंदा भी कभी उसको मौका मिलेगा तो वो ऐसा ही करेगी। यानी उसको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी या कोई दुख नहीं था कि उसने अपने जाने से इशार कर दिया ग्रेस के लिए। द समर स्लिप्ड क्विकली बाय एंड फाइनली टू लेटर्स केम टू बर्था, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। और जाहिर है टाइम गुजरते तो पता ही नहीं चलता, समर्स भी जो है वो गुजरने लगे, बहुत जल्दी टाइम गुजर गया और फिर बर्था को दो लेटर्स मिले, एक आंट मैग से और दूसरा ग्रेस की तरफ से। आई हैव हैड अ लवली टाइम रोट द लेटर एंड ओ बर्टी। ये कौन सा वाला? जो दूसरा वाला जो ग्रेस की तरफ से मिला था ना लेटर, उसकी बात हो रही है। लेटर ये वो वाला है यानी दूसरा वाला लेटर, और वो कौन सा था? ग्रेस की तरफ से। ग्रेस उसको लिख रही है, बर्टी
तुम सोच नहीं सकती कि मैंने कितना अच्छा वक्त गुजारा है. आई एम टू स्टे हेयर ऑलवेज, और अब मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूंगी. ओह ऑफ कोर्स आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ. हाँ लेकिन मैं अगले महीने से स्कूल आऊंगी, बट दिस इज टू बी माई होम आफ्टर दिस. लेकिन उसके बाद यही मेरा घर होगा. यानी मैं आंट मैक के पास हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई हूँ. आंट मैक शी मेक्स मी कॉल हर दैट सेज आई मस्ट स्टे हर विद हर फॉर गुड. और ये मुझे किसने कहा है? आंट मैक ने ही कहा है कि तुम मेरे पास हमेशा रहोगी ग्रेस. और फिर जो दूसरा लेटर था उसमें क्या था? इन आंट मैक्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ. दूसरे लेटर के अंदर जो बर्टी को मिला था उसमें लिखा था ग्रेस इज राइटिंग टू यू एंड विल हैव टोल्ड यू दैट आई इंटेंड टू कीप हर हेयर. तुम्हें जो है वो ग्रेस ने खत में बता दिया होगा कि मैं उसको यहां पर रख रही हूं. यू नो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन. तुम्हें पता है कि मुझे हमेशा से इस बात की ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो. बट माई ग्रीडी ब्रदर्स, लेकिन मेरे लालची भाई एंड सिस्टर्स और मेरी बहनें वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स. लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी गोद लेने के लिए नहीं दी. सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस. इसलिए मैं ग्रेस को अपनी बेटी बनाकर अडॉप्ट कर रही हूँ. शी इज द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड. वो सबसे ज्यादा प्यारी है पूरी दुनिया में. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. और मैं तुम्हारा बहुत शुक्र गुजार हूँ फॉर सेंडिंग हर हेयर उसको यहाँ भेजने के लिए. यानी उन्होंने बर्था को शुक्रिया के तौर पर लेटर लिखा कि तुमने यहाँ पर ग्रेस को भेजकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया. वो दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है. यू विल नॉट नो हर वेन यू सी हर. और तुम उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाओगी जब तुम उसको देखोगी. बिकॉज शी हैज ग्रोन प्लम्प एंड रोजी. क्योंकि यहाँ जब वो रही है तो उसने अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये उसकी पूरी जो शख्सियत है वो बदल कर रह गई है. वो मोटी भी हो गई है, खूबसूरत भी हो गई है, और उसके चीक्स जो है वो भी रेड हो गए हैं. तो तुम जब अब उसको देखोगी तो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाओगी. बर्था फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल. बर्था को बहुत खुशी हुई है लेटर्स देख के. आई हैव अ वेज डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड. और यहाँ पर उसने अपने आप को कहा कि शुक्र है इस कहानी के अंदर मैं एक फरिश्ता बनकर साबित हुई. मैंने ग्रेस के लिए कुछ कर पाई और उसका मैंने फ्यूचर ब्राइड करने में अपना पार्ट प्ले किया. तो ये थी एक स्टोरी एक बच्ची के ईसार की और दूसरी बच्ची की जिंदगी बनाने की. ठीक है. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट. इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू द एक्सरसाइज ए क्वेश्चन एंड आंसर्स. राइट. सो टेक केयर एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अल्लाह हाफिज.